हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा वर्मा। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं किसी मेले में आई हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मेला कहाँ का है, तो ये मेला कहीं और नहीं, हमारी झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत राजधनवार की है। ये बहुत ही फेमस छठ घाट है और ये मेला छठ पूजा में ही लगाई जाती है। तो चलो गाइस, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसा होता है ये राजधनवार का मेला, और आप लोग मेरे साथ मेले को एंजॉय करो और एंड तक वीडियो में बने रहना। और अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग और मेरी ये मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइस, अभी हम लोग रास्ते में हैं और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ की डेकोरेशन कितनी सुंदर तरीके से की गई है। अभी हम लोग बस पहुंच ही चुके हैं और पहुंचने के साथ ही हमारा सामना राक्षसों से हुआ। और जैसे ही कुछ दूर आगे गई तो स्टैचूज बनी हुई थी जो काफी अच्छे से बनाई गई थी। इस स्टैचू के बाद एक छोटी सी सब्जी मंडी भी बनाई गई थी जिसमें रियल वेजिटेबल्स को यूज किया गया था। बात मैंने आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी देखी, और इस ट्रॉफी को देखने के बाद मुझे याद आया कि ये ट्रॉफी हमारे इंडिया की नहीं, ऑस्ट्रेलिया की हो चुकी है। अभी मैं झांकी के दर्शन के लिए आई हूं, जिसमें काफी बारीकी से काम किया गया है। झांकी देखने के बाद मैं आगे बढ़ी और मैंने देखा मेले में सेल्फी कॉर्नर भी बनाई गई थी। इतने में ही मेरी नज़र एक खूबसूरत सी स्वान पे गई जो दिखने में बहुत ही सुंदर था, और इसे बनाने में काफ़ी छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान रखा गया था। और फिर मैंने स्वान में एंटर किया और मैं पहुंच गई एक भव्य सूर्य मंदिर के पास, जहां पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। इस मंदिर की खूबसूरती की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम ही है। गाइस, अभी मैं मेले में कलाकारों द्वारा बनाया गया चंद्रयान 3 को देखने पहुंच चुकी हूं। इसे देखने के बाद आप भी बोलोगे क्या कला है। तो चलो, देर किस बात की, देखते हैं अंदर से भी चंद्रयान 3 का नजारा। Thank you.
अभी मैं चंद्रयान 3 से बाहर आ चुकी हूँ और मैं पहुंच गई हूँ अपने फेवरेट सॉफ्ट टॉयज के पास। सॉफ्ट टॉयज के बाद मैं मिली डरावने भूतों से। तो गाइस, ये था राजधनवार मेले का फुल ब्लॉग। अगर आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।